देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे सारा तैयारी हो गया है। यहाँ पे अभी कुकर गरम हो रहा है, अभी मम्मी तेल डाल रही हैं। कटहल पढ़ा फ्राई होगा, इसे दिखाओ कि तब ना। देख लीजिए, रखा है अभी ये सब लग, ये सब रखाएगा और फिर कटहल बनेगा। अब धीरे धीरे सारा सामान डला रहा है। प्याज डलाएगा, अभी प्याज डला रहा है। एक साइड कढ़ाई गरम हो रहा है और एक साइड प्याज डाल रही है मम्मी। इसको उबाल के मम्मी इसमें का सारा पानी निकाल ली थी। अब इस कढ़ाई में कटहल डालेंगे मम्मी। एक बार इस तरह से बना के देखिए, बहुत टेस्टी लगता है, कोई चिकन से कम नहीं लगता है। और अच्छा बना चाहिएगा कटहल। इसके आगे तो चिकन भी फेल हो जाए। दोस्तों आपने कटहल तो बहुत खाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना। एक बार ऐसे खा लिए ना आप लोग, बस मुर्गा खाना भूल जाएंगे। देखिए आप लोग, देखने में ही कितना लजीज लग रहा है। मुर्गा से कम लग रहा है क्या? हम तो वेट कर रहे हैं कि ये कब बने और हम खाएं, तब आप लोग को बताएंगे कैसा लगेगा, कैसा लगा। जब तक बन रहा है आप लोग मेरा गाना ही सुन लीजिए। मेरी जान तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बगैर। तू मान मेरी बात, छोड़ या तुझे जाने ना दूंगा। तो कैसा लगा मेरा गाना? देखिए अभी आप लोग मम्मी कच्छुल चला रही हैं। सच में दोस्तों ये कटहल बहुत अच्छे तरीके लगता है, आप लोग जरूर बनाइएगा। कमेंट कीजिएगा कैसा लगा। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों अभी हाफ फ्राई हो गया है, डलाएगा और उसके बाद पूरा नमक। देखिए कटहल भी सबसे बहुत अच्छे से फ्राई हो गया और यहाँ पे नमक डला रहा है। तो मिलिए फ्रेंड्स हम लोग के किचन के खास दोस्तों से। देखिए यहाँ पे सब हमारे किचन के हैं सदस्य, कितने खुश हैं आप लोग को देख के। आप लोग भी खुश हो जाइए और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक तो शर्मा के आंखें बंद कर ली। देखिए दोस्तों इसमें मसाला डला गया। हाँ अब इसमें कटहल डलाएगा और उसके बाद हम लोग दिखाएंगे आप लोग को कि इसका पक कैसा आया है। देखिए अभी यहाँ पे चल रहा है। देखिए कलर कितना अच्छा आया है।
अभी तो ये ट्रेलर है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है, बने रहिए व्लॉग पे। देखिए खुशबू ही आ रहा है तो इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग भी महसूस कीजिए मेरे साथ कैसा लगता है। देखिए अब ये पूरे तरीके से फ्राई हो गया है, तो पूरा तेल छोड़ दिया है। अब इसमें पानी डलाएगा और फिर हम लोग आपको दिखाते हैं ये बन के कैसे तैयार हुआ है। अभी से ये कोई चिकन से कम लग रहा है। देखिए अब इसमें इतना पानी डलाया है, अब आप लोग को सीटी लगवाने के बाद दिखाते हैं कैसा बना। देखिए ये सीटी दे दिया, यहाँ पे सैलेड का तैयारी हो रहा है। देखिए ये हेल्दी और टेस्टी सैलेड बन रहा है यहाँ पे। अब इसमें नींबू का रस डला रहा है। अब छोटा सा हरा मिर्ची कटाएगा। अब इसमें नमक डला रहा है। यहाँ पर एक मेरी दीदी पढ़ रही है, मेरी दूसरी दीदी का तबीयत खराब हो गया है। ये हमारे भगवान जी हैं, यहीं पे सारी पूजा होती है। ये हमारी माता रानी है, इनके पीछे भी एक माता रानी है हमारी। यहाँ पर भी भगवान, ये भी हमारी माता है।